हेलो जी, आप कैसी हैं? जी जी जी, मैं पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज। मेरे महबूब का आया है मोहब्बत नामा। आदाब, कैसे हैं आप लोग? आप सबको मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे बहुत बहुत मुबारक। हमारे घर वालों को ये 14 फरवरी जैसे अजीम दिन के बारे में कुछ नहीं पता। हमारी अम्मा हमसे फरमा रही थी, ए बन्ने मियाँ, ये तो बताओ ये 14 फरवरी जो है ये मजदूरों का आलमी दिन है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, ये 14 फरवरी मजदूरों का आलमी दिन नहीं है, आशिकों का आलमी दिन है। खैर, हमारी अम्मा को तो अल्लाह वास्ते का बहरे मोहब्बत से कह रही थी वजीर आजम को चिट्ठी लिखेंगी और उसमें लिखेंगी कि वजीर आजम साहब, 14 फरवरी को इस बदकारी की बजाय आपको बेवाओं का आलमी दिन मनाना चाहिए और बहुत सारी बेवाएं जो अपनी मर्जी से हुई हैं उन पर तो खैर 100-100 फिटकारें, मगर मुझ जैसी चंद चीदा बेवाएं जो आखिरी वक्त तक अपने शौहरों को बर्दाश्त करती रही, उनकी बाबत तो कुछ ना कुछ उनको मरात मिलनी ही चाहिए। और वो तो ये भी कह रही थी कि वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो एक रात का इशाया अरेंज करें और इसमें इन तमाम विवाहों को मधु करें। उसके अंदर शाहिद आफरीदी और फवाद खान को ही मधु किया जा सकता है। खैर, मेरी अम्मा की औंधी सौंधी बातें तो चलती रहेंगी। आप बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए कि मुझ पे लाल लिपस्टिक सजती है ना? खैर, मैं तो मर्दों के मेकअप करने के बहुत ही खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ बस थोड़ी सी लिपस्टिक और थोड़ा सा ब्लश ऑन, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आई शेडो लगा लें भाई, कुछ तो मर्दानगी रहनी चाहिए ना भाई। मैं नहीं आजकल के टीवी अदाकारों की तरह इतना मेकअप करके गादी गार्डन की मुमताज महल बनना चाहता। अच्छा, एक बात तो आप लोगों को मैं बताना भूल ही गया। शर्म आ रही है मुझे। आज मैं डेट पे जा रहा हूँ। बहुत ही मैस्कुलिन लड़की है, बहुत मजबूत डोले हैं उसके, उसकी डोलों को देख के सलमान खान और सुनील शेट्टी की याद आ जाती है। मैं तो सोच लिया है कि अगर बात बन गई तो मैं नादिया से कहूँगा कि अपर लिप ना बनाए। बाइक चलाती है वो, और जब मैं उसके पीछे बाइक पे उसकी मजबूत कमर को थाम के बैठता हूँ तो यकीन कीजिए बहुत ही सिक्योरिटी का एहसास होता है। भला हम औरतों को और क्या चाहिए? मेरा मतलब है कि आप आजकल की वो मर्द थोड़ी हैं जिनको पतली दुबली और बहुत ही घर गृहस्थल वाली औरतें चाहिए। आजकल तो नादिया जैसी औरतों का ज़माना है भाई। भाई वो कमाएगी, मैं घर चलाऊँगा, और जब वो ऑफिस से थक कर घर वापस आएगी तो कुछ कुछ बिल्कुल मजबूत डोलों वाली औरत यानी कि मेरी नादिया बिल्कुल नियर एजाज जैसे ऐसी रफ एंड टफ मर्द की तरह आएगी और मैं उससे बोलूँगा, बैठिए मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और जब मैं किचन में जाके उसके लिए गरम गरम फुलके बनाऊँगी और उसके लिए फुलके लेकर आऊँगी तो वो सीधे हाथ से फुलके लेगा और उल्टे हाथ से मेरे कूले पे चुटकी नोचेगा तो कितना अच्छा लगेगा। खैर छोड़िए, आप सुनाइए आप लोग वैलेंटाइन डे पे क्या कर रहे हैं? अरे बहुत देर हो गई, मैडम बहुत गुस्से वाली हैं, इंतज़ार कर रही होंगी मेरा। नाराज हो गई तो मनाना पड़ेगा, आपको तो पता है हम जैसे मर्दों को मनाना ही पड़ता है। अच्छा चलती हूँ। खैर चलती हूँ, वल्दी बहुत मायूब रहता है, चलता हूँ मैं, इजाज़त दीजिए मुझे। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका वैलेंटाइन डे कैसा गुजरा। और दुआ कीजिएगा कि मुझ जैसे मशरक़ी मर्द की ये डेट बहुत अच्छी जाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा मतलब मैं चलता हूँ। आदाब।